आप जब बिग बॉस ओटीटी 3 इतना सक्सेसफुल रहा बोरिंग होने के बाद भी, क्योंकि इस साल थे काफी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स जिनको देखने के लिए काफी लोगों ने बिग बॉस को देखा, तो क्या इससे इंस्पायर होकर बिग बॉस सीजन 18 में फिर से काफी कंटेंट क्रिएटर्स नजर आएंगे, या जो लव के शिवानी और विशाल के साथ अनफेयर हुआ उसको देखकर सभी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स मना कर देंगे बिग बॉस में आने से। चलो जान लेते हैं कौन कौन दिख सकता है इस साल के देश के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 18 में विद योर वन एंड ओनली स्टोरी गर्ल मोनिका। समीरा रेड्डी, हिंदी, तमिल और तेलुगु मूवीज में काम कर चुकी एक्ट्रेस समीरा को फिर से अप्रोच किया गया है बिग बॉस में आने के लिए। समीरा ने जनवरी 2014 में एंटरप्रेन्योर अक्षय वर्दे से शादी की थी, जिनसे उन्हें एक बेटा और एक बेटी है, और बस उसके बाद से ही समीरा हमें किसी भी मूवीज में नजर नहीं आई। लेकिन उन्होंने अपने मॉम कंटेंट से सोशल मीडिया पर अपनी काफी पहचान बना ली है और अभी इनके इंस्टाग्राम पर 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मिस्टर फैजो, बिग बॉस ओटीटी 3 में टीम 07 के मेंबर अदनान शेख तो अपना कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन अब फाइनली फैजल शेख को ऑफर दिया गया है फॉर बिग बॉस 18, क्योंकि लेटेस्ट ओटीटी के सीजन से मेकर्स ये बात तो समझ गए हैं कि भाई ज्यादा फॉलोवर्स वाले किसी कंटेस्टेंट को लाने से शो की टीआरपी अपने आप बढ़ जाती है। अब देखो, पहले भी 2 रियलिटी शोज कर चुके फैजू बिग बॉस के ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। सुरभि ज्योति, सुरभि का नाम भी लगभग हर साल बिग बॉस के लिए आता है और इस साल भी मेकर्स ने छोटे पर्दे की एक्ट्रेस जो पंजाबी मूवीज में भी काम कर चुकी है और पिछले कुछ सालों से वो बैक टू बैक वेब सीरीज कर रही है, इन्हें भी अप्रोच किया है बिग बॉस 18 के लिए, बट अभी तक फाइनल डील नहीं हुई है। सोहेब इब्राहिम, दीपिका कक्कर के पति और अभी हाल ही में झलक दिखलाजा के कंटेस्टेंट रहे सोहेब को भी बिग बॉस 18 का ऑफर दिया गया है। इसके अलावा दीपिका ने भी अपने एक ब्लॉग में सोहेब की कुकिंग की तारीफ करते हुए ये बोला कि अब सोहेब रेडी है टू गो टू बिग बॉस, जिसके बाद से पूरे इंटरनेट पर ये बात आग की तरह फैल गई कि सोहेब बिग बॉस 18 के लिए कन्फर्म हो चुके हैं। बट रियलिटी तो ये है कि वो कन्फर्म तो नहीं हुए हैं, पर इस बात के वायरल होने के बाद मेकर्स ने इन्हें अप्रोच जरूर किया है। दिग्विजय सिंह राठी, दिग्विजय का नाम भी काफी वक्त से बिग बॉस के लिए आ रहा है, क्योंकि दिग्विजय ने जो 2023 में रोडीज करम या कांड से अपना हार्डकोर फैन बेस बनाया है और फिर स्पिट्सला 15 में उनको रिसेंटली जो हमने देखा है, इसके बाद मीडिया में जोरों शोरों से ये खबर है कि दिग्विजय को बिग बॉस 18 के लिए अप्रोच किया गया है, बट स्टिल वेटिंग फॉर द रियल प्रूफ्स। कशिश कपूर, कशिश ने स्पिट्सला करके अपनी बोल्ड और बिंदास पर्सनालिटी से जिस लेवल की पॉपुलैरिटी बटोरी है, वैसा पहले किसी भी स्पिट्सलन के साथ शायद नहीं हुआ। हर कोई कशिश का इंटरव्यू ले रहा है, बड़े बड़े सोशल मीडिया और न्यूज पेजेस कशिश को अपने पोस्ट और आर्टिकल्स में कवर कर रहे हैं, और जितना भी हम सब ने कशिश को देखा है, भाई अगर बिग बॉस में आ गई तो अच्छे अच्छों की बैंड बन सकती है। कशिश की बातों में लॉजिक होता है और हर कोई रिलेट कर पाता है उनसे, इसलिए बिग बॉस के मेकर्स भी सोच रहे हैं टू गेट कशिश। ज़ाइन सैफी ऑफ राउंड 2 हेल, पिछले साल बिग बॉस 17 में एज ए वाइल्ड कार्ड का ऑफर रिजेक्ट कर चुके ज़ाइन इस साल हमें बिग बॉस 18 में जरूर दिख सकते हैं। बिग बॉस 17 का ऑफर तो उन्होंने अपने दोस्त मुनावर फारूकी के लिए ठुकरा दिया, क्योंकि वो मुनावर की जीत में कोई भी आंच नहीं लाना चाहते थे, पर इस साल उनके पास मना करने का कोई रीजन नहीं है। आपको बता दूं कि ज़ाइन एक इंटरनेट सेंसेशन है और इनके इंस्टाग्राम पर ऑलमोस्ट 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं और यूट्यूब पर 4 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स, वो भी सिर्फ 4 वीडियो से। वाओ। डॉली चायवाला, आप जब एक वायरल वड़ा पाव गर्ल बिग बॉस ओटीटी में आ चुकी है तो डॉली चाय वाले का भी रास्ता खुल गया है और बिग बॉस के इस नए सीजन के लिए अतरंगी चाय वाला डॉली को अप्रोच किया गया है। डॉली मुंबई में अपना स्टॉल चलाते हैं और बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इनके स्टॉल पर आ चुके हैं, इंक्लूडिंग फॉर्मर CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स। रैपर किंग, रैपर की दुनिया से जब भी कोई बिग बॉस में आया है उसे हमेशा बहुत प्यार मिला है।
जहां एमसी स्टैन ने एक सीजन जीता, वहीं नेजी टॉप टू में रहे, तो इस साल भी किसी रैपर को लाने की कोशिश की जा रही है। और रैपर किंग, जिनका रियल नेम अर्पण कुमार चंडेल है, से बेटर कौन हो सकता है। अब देखो इनको बिग बॉस में लाने का ये डिस्कशन कैसा जाता है। करण पटेल, आई नो करण का नाम सुनकर आप लोग शॉक हो गए होंगे, क्योंकि करण अपने हर इंटरव्यू में बिग बॉस शो को लेकर बस नेगेटिव ही बोलते हैं। उनके लिए ये शो बस एक स्टूपिडिटी है और इसे बस वो लोग देखते हैं जिनके पास बाहर कुछ करने को नहीं है, और देखते किसे हैं जिनके पास अंदर कुछ करने को नहीं है। पर फिर भी करण की पर्सनैलिटी बिग बॉस के लिए बेस्ट है, इसलिए मेकर्स इतना नेगेटिव सुनने के बाद भी हर साल कोशिश करते हैं अच्छा खासा अमाउंट ऑफर करके करण को कन्विंस करने का, और इस साल भी कर रहे हैं। अब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। दलजीत कौर, हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से लाइमलाइट में रही एक्ट्रेस दलजीत से भी इस साल के बिग बॉस के ऑफर की बात चल रही है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि दलजीत बिग बॉस सीजन 13 में भी एज ए कंटेस्टेंट आई थी, पर बहुत ही जल्द निकल भी गई थी। कृष्णा अभिषेक, कॉमेडियन कृष्णा का करियर हर तरीके से बढ़िया चल रहा है, लेकिन उनके लेटेस्ट शो लाफ्टर शेफ में हमने उन्हें कई बार बिग बॉस का जिक्र करते हुए सुना कि वो अब बस बिग बॉस करना चाहते हैं। अब अगर ये मजाक था तो ठीक है, वरना मेकर्स तो कभी भी कृष्णा को बिना सोचे समझे शो में ले आएंगे, और अभी भी उनको अप्रोच किया गया है। हर्ष बेनीवाल, कॉमेडियन और यूट्यूबर हर्ष का नाम भी इस साल बिग बॉस 18 के लिए आ रहा है। रूमर्स तो ये भी हैं कि बहुत जल्द हर्ष का प्रोमो भी शूट होने वाला है। हर्ष को हमने कई बार बिग बॉस को लेकर कॉमेडी कंटेंट बनाते हुए देखा, पर अब हमारे हर्ष मौका दे सकते हैं बाकी यूट्यूबर्स को अपने ऊपर वीडियोस बनाने का और उन्हें रोस्ट करने का। पूजा शर्मा, 2006 में फेमिना मिस इंडिया में टॉप 10 में अपनी जगह बना चुकी छोटे पर्दे की एक्ट्रेस पूजा को भी बिग बॉस 18 का ऑफर दिया गया है। पूजा ने अपने करियर में मशहूर सीरियल्स महाभारत, महाकाली और दोस्ती यारी मन मर्जिया में काम किया है, और फिलहाल वो पब्लिक पुलिस में निकिता सिंह का रोल निभा रही है। अर्जुन बिजलानी, अर्जुन और कृष्णा दोनों ने अगर इस साल के बिग बॉस के लिए हाँ कर दिया तो भाई ये सीजन नेक्स्ट लेवल हिट हो जाएगा। अर्जुन ने अपने करियर में मूवीज, सीरियल्स, वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियोस, होस्टिंग और हर तरह के रियलिटी शोज किए हैं एक्सेप्ट बिग बॉस, और इस साल उनके सब दोस्त और फैंस दिल से अर्जुन को बिग बॉस के घर में देखना चाहते हैं। अब मेकर्स अपने दिए ऑफर से क्या अर्जुन को ला पाएंगे इस साल के बिग बॉस में? आई कांट वेट टू नो। इनमें से आप किसे किसी भी हाल में बिग बॉस सीजन 18 में देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।